सो टुडेज टॉपिक इज कंपनसेशन मैनेजमेंट। लास्ट प्रीवियस जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जब हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं देन हम उनको अप्रेज करते हैं एंड क्या है फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज कंपनसेशन। सो लेट्स टॉक विद व्हाट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन दैट डील्स विद एवरी टाइप ऑफ रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कंपनसेशन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। एम्प्लॉयज़ हमारे लिए क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दे परफॉर्म ड्यूटीज, अब जो भी उनको टास्क दिए जाते हैं दे परफॉर्म देयर टास्क, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। अब कोई हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसके बदले में हम ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ऐसे फ्री में तो कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है एम्प्लॉयज़ को जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब जो कंपनसेशन होता है, वैसे हिंदी लैंग्वेज में हिंदी का जो वर्ड है इसको बोला जाए मुआवजा प्रोवाइड करवाना, है ना, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन को हम वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। जैसे कि अब देखो जितने जितना काम किया अकॉर्डिंग टू देयर हिज और हर कैपेबिलिटीज़, तो उसके हिसाब से क्या है उनको वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सो कंपनसेशन रेफर्स टू द रेम्यूनरेशन समझते हो ना, सैलरीज देना, दैट एन एम्प्लॉय रिसीव्स इन रिटर्न फॉर हिज हर सर्विसेज टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि जो भी वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इन रिटर्न उनको एज अ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉय को। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेजेज एंड सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो हैं उन दोनों को अलग अलग कंपनसेशन दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी जाती हैं एंड वेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को, ठीक है। अब आते हैं कंपनसेशन इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स, ठीक है। अब कंपनसेशन में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं एंड कुछ उसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से होते हैं जो मनी से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि हम बोनसेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है, प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ प्रपोर्शन देती है, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पे करना, रिकोगनाइजेशन रिवॉर्ड्स देना एंड सेल्स कमीशन में से उनको कुछ प्रपोर्शन देना, और भी बहुत है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो सारे के सारे दे ऑल आर पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पेमेंट्स। सो ऑन द अदर हैंड देर इज़ नॉन मॉनेटरी पर्क्स या नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स जिसमें मनी बेनिफिट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट है, जैसे कि लाइक कंपनी क्या है, कंपनी कार की सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉय को आने जाने के लिए, ठीक है। उनको हाउस या कोई जैसे फ्लैट है वो रेंट पे नहीं, उनको सॉरी फ्लैट या हाउस थोड़ी देर के लिए, जैसे जितने पीरियड के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब दे रहे हैं, एंड स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, ठीक है। इट मीन्स कंपनसेशन में क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन इज़ गिविंग बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉय, इधर इट इज़ मॉनेटरी बेनिफिट्स और इधर इट इज़ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, किस चीज़ के लिए देते हैं, विद दी इन रिटर्न ऑफ हिज और हर सर्विसेज टू दी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। सो नेक्स्ट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट, रिवॉर्ड मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टोटल कंपनसेशन पैकेज। सो कंपनसेशन मैनेजमेंट को इन अदर वर्ड में हम वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें वेज एंड सैलरी दी जाती है। रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट भी इसी का ही नाम है, रिवॉर्ड मैनेजमेंट इसी का ही नाम है, ठीक है। तो ये सारे कंपनसेशन मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के अनदर नेम्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर कंपनसेशन इज पेइंग पीपल फॉर वर्क। कंपनसेशन क्या है, लोगों को पे करना फॉर देयर वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस कंपनसेशन इज़ व्हाट एम्प्लॉयज़ रिसीव इन एक्सचेंज
फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कंपनसेशन सेम वे वे रिपीट हो रहा है कि कंपनसेशन इज व्हाट अ एम्प्लॉय रिसीव, इधर इट इज़ मॉनेटरी पेमेंट्स, बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स विद द एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये केस डेविस की डेफिनेशन है. आप डेफिनेशन आप किसी भी राइटर की याद कर सकते हो जो आपको ईजी लगती है. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंपनसेशन या टाइप्स ऑफ कंपनसेशन. उसमें है फर्स्ट इज डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन. ठीक है, अब डायरेक्ट कंपनसेशन वो सारे कंपनसेशन, वो सारे मुआवजे जो कि किसी भी एम्प्लॉय की डायरेक्ट जो उनकी सैलरी उनको जो कंपनसेट प्रोवाइड किया जाएगा ना, सैलरी जो दी जाएगी उसके साथ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले बेसिक पे तो है डियरनेस अलाउंस जिसको हम TADA बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं जाने के. ठीक है, DNS अलाउंस होते हैं रहने का खर्चा कहीं पे. ठीक है, कैश अलाउंस, इंसेंटिव पे, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन. ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन से ऑप्शंस हैं डायरेक्ट कंपनसेशन के. सो नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कंपनसेशन. इनडायरेक्ट कंपनसेशन में एज सच ही क्या होता है, इनकम के साथ नहीं होते लेकिन बाद में उसका बेनिफिट रहता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे है लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट इज प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड पता है किसी को क्या होते हैं, देखो मेरा मुझे हाँ जी प्रोविडेंट फंड्स नहीं बता दो, PF बोलते हैं इसको. ठीक है, या प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF बोलते हैं. ठीक है, होता क्या है इसमें, जैसे जो सपोज किसी एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 20,000 है. ठीक है, 20,000 में सपोज़ जितनी भी चलो सैलरी है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से प्रोविडेंट फंड के लिए निकाल देती है. ठीक है, वो PF अकाउंट में चला जाता है. वो अलग से एक अकाउंट होता है, UAN नंबर होता है उसका. ठीक है, वहाँ जैसे सपोज़ 1,000 रुपये उसकी सैलरी में से निकालें, ठीक है, वो PF अकाउंट में चले जाते हैं. उधर जितना उसकी सैलरी में से निकाला जाता है ना, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन उसके PF अकाउंट में डालती है. ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि देखो अगर 1,000 निकला उधर से, 1,000 उसने डाला ऑर्गेनाइजेशन ने, PF अकाउंट में कितना हो गया 2,000 हर मंथ. वो जितना अगर जैसे सपोज करो किसी पर्सन की सैलरी ज़्यादा है उसका 2,000 निकल रहा है, तो 2,000 वो डालेगी ऑर्गेनाइजेशन, तो 4,000 हर महीने उसकी PF अकाउंट में आएगा. सो गेटिंग, तो ये भी क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है लेकिन इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आता है. आगे होती है ग्रेविडिटी. अब ग्रेविडिटी जो होती है वो बहुत रेयर केसेस में होती है, और वो होती भी वुमेंस के साथ है. जैसे कि कुछ वुमेंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि उनको अपना जैसे सपोज़ करो उनको मैटर्निटी लीव लेनी होती है, सपोज़ अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं. ठीक है, उस केस में क्या होता है कि उनका जो भी जितना भी पीरियड रहता है उनकी ड्यूरेशन उस चीज़ की, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी मेडिकल चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है. बट ये किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब में नहीं होता, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होता है. ग्रेविडिटी देते हैं ये वुमेंस को प्रोवाइड कर दी जाती है. ठीक है, मैटर्निटी लीव के लिए, लीव में तो होते हैं, लीव के लिए तो क्या ही करना, मतलब उनका जो भी मैटर्निटी पीरियड होता है उसमें सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस बेनिफिट दे रही है उनके घर वालों को, इंश्योरेंस बेनिफिट, मेडिकल लीव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सीडेंट के बेनिफिट्स दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो वो खर्चा वर्चा जो सब है, मैच्योरिटी लीव्स जो बच जाती हैं लीव्स उनका सारा वो भी उनको एक्स्ट्रा में बेनिफिट में दी जाती है. और अगर किसी अगर कोई एम्प्लॉय है फ़ोन पे काम करता है तो उसके फ़ोन के चार्जेस, बिल्स प्रोवाइड कर देना, ऐसे बहुत से मतलब आगे और भी हैं नॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन. ठीक है, हर एक कंपनसेशन के पीछे मकसद ही ये है कि हर एक एम्प्लॉय को उसकी जितनी बनती कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है सैलरीज या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करवाना. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन में है तो कंपनसेशन शुड बी पेड टू ईच एम्प्लॉय ऑन द बेस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड ट्रेनिंग. ऑफकोर्स इनको जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाना है उनकी एबिलिटीज़ और इवन दो उनकी प्लानिंग ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उनको क्या है हर एक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाना. हर किसी का पे स्केल फिक्स नहीं होता.
कंपल्सरी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, वो पैकेज की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इट शुड मोटिवेट द एम्प्लॉय टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इतना भी कम पैकेज नहीं होना चाहिए कि उसकी मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाए काम का। पैकेज ऐसा होना चाहिए जिससे वो खुश हो और खुश होकर अच्छा काम करे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवाए, कि जब उनको बताया जाए कि आपको अगर अच्छा करोगे तो आपको इंसेंटिव्स आपको बढ़ा दिए जाएंगे आपके सैलरीज, ठीक है। सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ऑल्सो, क्लियर। उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को भी पूरा करना कंपनसेशन का में ही आता है, उसका ऑब्जेक्टिव है। सो इट शुड बी फ्लैक्सीबल एंड क्लियर। कंपनसेशन की जो पॉलिसी